And then it became a dead place. When Cameron opened the school, it was all right. Then Cameron closed down the school again, it became a dead place. Now Don Bosco. नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में फिर से आप सबों का बेहद स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे जगह पर लाया हूं जो जगह झारखंड में पर्यटक स्थल के लिए बेहद खास है। एक ऐसा जगह जहां पर एंग्लो इंडियन के लोग निवास करते हैं, मैकलुस्कीगंज। वही मैकलुस्कीगंज में फिलहाल मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर हुटाप चौक में मौजूद हूँ और इस चौक में यहाँ पर लिखा हुआ मैकलुस्कीगंज 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है और वो मैकलुस्कीगंज जहाँ पर एंग्लो इंडियन के लोग अभी भी निवास कर रहे हैं। ऐसा पता चला है कि वहाँ पर अभी 15 से 16 परिवार उस जगह पर रहते हैं और किस प्रकार से वो जंगलों में निवास करते हैं और उस समय का बना हुआ घर क्या है और उसकी जो दिनचर्या कैसे गुजरती है और उस एंग्लो इंडियन का जो सबसे अच्छा और जो खास बात है किट्टी मैन, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जब वो लोग 1933 में मैकलुस्कीगंज में जब आए तो उनका कैसा दिन बीता और अभी वो कितने उम्र के हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार का जंगल में वो लोग निवास करते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए बने रहे। अब हम लोग रास्ते से होते हुए मैकलुस्कीगंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको दोनों तरफ पेड़ पौधे काफ़ी हरी भरी हैं। ये रेलवे लाइन है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं मैकलुस्कीगंज की उस एरिया की तरफ जहां पर एंग्लो इंडियन के लोग अभी भी निवास करते हैं और उन्हीं को दिखाने के लिए मैं फिलहाल चल रहा हूं। और ये मैकलुस्कीगंज का रेलवे स्टेशन ही काफ़ी ऐतिहासिक है, एंग्लो इंडियन के लोग ने इसको बनाया था। अब इनकी कुछ इतिहासों को मैं आपको बताता हूँ क्या है इनकी इतिहास। मैकलुस्कीगंज भारत के झारखंड राज्य का एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जो राजधानी रांची से लगभग 40 मील उत्तर पश्चिम में है। इस शहर में एक महत्वपूर्ण एंग्लो इंडियन समुदाय हुआ करता था। अब अपनी ब्रिटिश काल की पुरानी हवेलियों, पहाड़ियों और झरनों के लिए एक पर्यटक स्थल बन चुका है। मैकलुस्कीगंज झारखंड की राजधानी रांची से काफ़ी सटा हुआ इलाका है और उत्तर पश्चिम की दूरी पर खिलारी ब्लॉक स्थित है। ये 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह डुगडुगी नदी के पास स्थित है जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। जलवायु, मैकलुस्कीगंज की जलवायु कम आर्द्रता के साथ आदर्श और सर्दियों के दौरान मैकलुस्कीगंज की पाला पड़ता है जो घास, वाहनों और छतों को ढकता है। शीतलहर के दौरान यह तापमान हिमक और आसपास रिकॉर्ड करता है। ये मैकलुस्कीगंज की पुरानी हवेली है और इन्हीं हवेलियों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल घर अब टूटी फूटी हो चुकी है और ये होते हुए जंगलों के होते हुए अब हम लोग एंग्लो इंडियन की समुदाय की उस घर की तरफ आए हैं और हम अब सुनेंगे कि वो लोग किस प्रकार से यहाँ पर उनकी जीवन बसर होता है। यहाँ की माहौल बिल्कुल चारों तरफ पेड़ पौधे से हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं एंग्लो इंडियन की समुदाय कीटी मैम से कि वो क्या बताती है। आज हम जिस इंसान से मिलना चाह रहे थे, बरसों से मेरा उम्मीद, हम हमेशा चाह रहे थे कीटी मैम से मिलेंगे, लेकिन आज वो बहुत खूबसूरत दिन है। आज हमारे साथ कीटी मैम है, आज इनके साथ बैठे हैं और कीटी मैम से हम लोग कुछ बातें करेंगे। कीटी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप अपने बारे में बताइए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। पहले हम लोग का स्टीम इंजन था तो हम लोग फल बेचते थे प्लेटफार्म में, और वो बंद हो गया तो डीजल इंजन आया, तब हम लोग भी बेचते थे। कहे डीजल ड्राइवर लोग जान पहचान था तो हम लोग को 5 मिनट टाइम देता था जी। और स्टीम इंजन था तो 15 मिनट मिलता था, इंजन कट के जाता था पानी लेने जी। तो अच्छा बिक्री था। जब इलेक्ट्रिक इंजन आया तो फिर खत्म हो गया, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था फल बेचने जी। किटी मैम, जैसे आप इस जंगल में रहते हैं, यहाँ तो खेती बाड़ी नहीं होता होगा एकदम। खेती बाड़ी होता है लेकिन यहाँ के लोग होने नहीं देता है, गाय चरा देता है। अच्छा। यहाँ के लोग पूरा गाय चरवा देता है, हिला देता है। मकई लगाते थे पूरा ठीक मोछा के धान बाल देता था, बस दोहानी गाय उतर गया पहाड़ से तो क्या करे, घेरा का सब वो लोग तो काट के ले गया तार जी।
जो बाउंड्री था सब काट के ले गया। अब इसी तरह उधर राहर लगा, उधर भी गरु खा जाए। पहले तो बहुत खेती होता था यहाँ, अभी धान खेत भी है, बटाई में लगा दिए हैं, लेकिन 2 साल से धान ही नहीं हो रहा है। तो किटी मैम, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर तो चारों तरफ जंगल झाड़ है, खेती बाड़ी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आसपास के जानवर लोग ले आते हैं, और जो भी आप खेती लगाते हैं उसको लोग उसमें मतलब जानवर उसको फसल को बर्बाद करते हैं, तो नहीं होता है। और यहाँ से काम करने जाने के लिए बहुत दूर भी होता होगा, तो उस स्थिति में आप कैसे करते हैं मैम? पेंशन मिलता है 1,000 राशन मिलता है, लेकिन अभी डीलर लोग हड़ताल में है। क्योंकि आप लोग तो मैम उसमें एंग्लो इंडियन के लोग का बसाए, आप भारत को बहुत सपोर्ट किए, भारत का हर सुख दुख में आप लोग साथ दिए, और आज आप लोग का ऐसा स्थिति है कि अभी आप लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? ना अच्छा है, शांति जगह है, अच्छा है। अच्छा, शांति जगह है, अच्छा लगता है यहाँ। तो मैम ये चीज और पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपने कितने परिवार के साथ अभी यहाँ पर रहते हैं मैम? हमारा बेटा है, 3 बेटी लोग है। अच्छा, 4 बेटी है, अभी तीसरा बेटी आई ना। हाँ हाँ, बेटी दामाद डकरा से। हाँ हाँ, तो वही अब 2 बेटी है साथ में। हाँ, दामाद गया है उधर। अच्छा, साइड में। तो ये पूछ रहे थे मैम कि एंग्लो इंडियन के कितने परिवार अभी यहाँ पर रहते हैं? तो अभी 13-14 परिवार है। कहाँ पर वो लोग रहते हैं मैम? एगो हम वहाँ, एगो रहता है प्राइमरी स्कूल के बगल में। हाँ हाँ हाँ, एगो रहता है रेंज ऑफिस के सामने। हाँ हाँ, डोमनी हॉस्टल, टेंडर आर्ट स्कूल। हाँ हाँ हाँ, फिर कोई कोई रहता है इधर घुस के। हाँ हाँ, ग्रामीण बैंक तरफ से घुस के। हाँ हाँ, और कोई हॉलैंड गेस्ट हाउस के पास। हाँ हाँ, कोई कोई लोग तो मतलब एक ही जगह नहीं रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, जिधर जगह मिला इधर से। जिधर वो लोग का पूर्वज लोग लिया था वही ना। हाँ हाँ, कीटी मैम, और चूंकि हम भी चाहते थे और बहुत सारे लोगों से आपको देखे भी हैं कि इंग्लिश में जब आप बहुत शानदार थोड़ा बात करते हैं, अगर आप भी मेरे लिए या कुछ बात कर देंगे इंग्लिश में थोड़ा सा? Well, this place was a good place and then it became a dead place. When Cameron opened the school, it was all right. Then Cameron closed down the school again, it became a dead place. Now Don Bosco has come in. Now everyone is enjoying. Yeah. Because there are about 70 hostels. Kitty ma'am, one thing I want to know about your forefather and who lives in this place. Tell me something about that. I don't know about my forefathers were yes. from. You don't know? No, they don't know. Didn't that told us? So my forefathers never came here. Yeah. To India. Yeah. So where they were from, I don't know. Ma'am, you have any memories about India? No, nothing. Ma'am, one thing I would like to know, how do you spend life in this good atmosphere? Tell me something about it. No, it's all right. All right. तो किटी मैम, आप मेरे साथ बात किए और इसके लिए मुझे आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।